हम बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसल फंक्शंस है। बेसल इक्वेशंस होगा वाई डबल डैश प्लस वन अपॉन एक्स वाई डैश प्लस वन माइनस का पी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो इज नोन एज बेसल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर पी। इट इज कॉल्ड द बेसल इक्वेशंस ऑफ पी ऑर्डर बिहेव पी इज ए नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। पी कोई नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है। द सोल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे लेट द सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन इज बाय इक्वल टू समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम एक्स की पावर के प्लस एम बेहस सी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो। इट इज़ द सोल्यूशन। ये हमने सोल्यूशन माना है इसे इक्वेशन नंबर टू कह देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बाय डैश एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम के प्लस एम एक्स की पावर के प्लस एम माइनस वन हो जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे वाई डबल डैश इक्वल टू समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम के प्लस एम माइनस वन एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू। इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लेंगे। इसको थ्री मान लो इसको फोर मान लो। ये जो वैल्यूज हैं वाई डबल डैश का वाई का एंड वाई डैश का पुट इन इक्वेशन वन दिस वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन ये था हमारा। इक्वेशन वन में सभी वैल्यू पुट करने का वाई डबल डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम होल ऑफ से कॉमन ले लेंगे के प्लस एम एंड के प्लस एम माइनस वन एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू प्लस यहाँ वन बाई एक्स आ गया बाई डैश की वैल्यू रख देंगे सी एम पे इसमें चल ही रहा था कॉमन निकाल लिया के प्लस एम एक्स की पावर के प्लस एम माइनस वन प्लस ये वाला पोर्शन वन माइनस का पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई का वैल्यू रखा एक्स की पावर के प्लस एम और ये जो पोर्शन बाहर था। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम बाहर को मैंने ये के प्लस का एम के प्लस एम माइनस वन एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू ये यहाँ जाएगा तो ये भी हो जाएगा एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू के प्लस एम माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद इस पोर्शन की वन में मल्टीप्लाइंग हुआ तो ये हो जाएगा एक्स की पावर के प्लस एम माइनस पी स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँचेगा एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू वाले पोर्शन एक साथ ले लेंगे एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू वाले एक साथ आ जाए। ये नेक्स्ट लाइन है समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम ये वाला ये एंड ये एक साथ आ जाएगा के प्लस एम माइनस वन प्लस का के प्लस का एम माइनस का पी स्क्वायर इतना पोर्शन मल्टीप्लाइंग में एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू प्लस एक्स की पावर के प्लस एम इक्वल टू जीरो इनके यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाइंग कर दिया जाएगा जो पोर्शन कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट लाइन बनेगा समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग के प्लस एम का स्क्वायर माइनस के प्लस एम प्लस के प्लस एम माइनस का पी स्क्वायर इतने पोर्शन की मल्टीप्लाइंग में था एक्स की पावर के प्लस एम माइनस टू इससे ही कैंसिल हो गया प्लस एक्स की पावर के प्लस एम इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट लाइन बन रहा है समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम के प्लस एम का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर
x की पावर k प्लस m माइनस टू प्लस x की पावर k प्लस m इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। इट इज़ एन आइडेंटिकल, इज एन आइडेंटिकल इक्वेशन, इक्वेशन टू बी जीरो इन द कोफिशेंट वेरियस पावर्स ऑफ x, फर्स्ट इक्वेट टू जीरो द कोफिशेंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x, यानी x की पावर k माइनस टू का कोफिशेंट इक्वेट करेंगे, यानी इक्वेटिंग द कोफिशेंट ऑफ x की पावर k माइनस टू, यहाँ से x की पावर k माइनस टू यानी m इक्वल टू जीरो पुट कर दिया जाए, m इक्वल टू जीरो इन फर्स्ट पोर्शन, यहाँ पे इसमें m इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, तो m इक्वल टू जीरो से जीरो और ये k स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, कोएफिशिएंट था x की पावर k माइनस टू का इक्वल टू जीरो, इधर जीरो की साइड में इसका जो कोएफिशिएंट्स होगा x की पावर k माइनस टू का जीरो ही होगा, तो सी बेयर्स सी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो पहले ही कहा था, के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो के की दो वैल्यू यहाँ पे हमको पॉसिबल मिल जाएंगी, के की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस पी, के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देन के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, के इक्वल टू प्लस माइनस पी, के की यहाँ पे दो वैल्यू हमको मिल जाएंगी, उसके बाद कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 से का, इक्वेशन नंबर 5 से ही के की दो वैल्यू आ गए, के इक्वल टू प्लस पी एंड माइनस पी, अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के माइनस वन, एक्स की पावर के माइनस वन का कोफिशिएंट इक्वेट करना, तो एम इक्वल टू वन पुट कर दें, m इक्वल टू वन पुट कर देते हैं, तो x की पावर k माइनस वन का कोफिशेंट यहाँ पे आ जाएगा, m इक्वल टू वन इन फर्स्ट पोर्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 इतने वाले में रख देंगे, तो ये हो जाएगा c1 k प्लस वन का स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, m इक्वल टू वन रखा है तो x की पावर k माइनस वन बनेगा इक्वल टू जीरो, बिहार ये तो जीरो होगा नहीं, के इक्वल टू पी आ चुका है, तो के नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, पी नॉट इक्वल टू जीरो, देन सी वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमको वैल्यू मिला सी वन इक्वल टू जीरो, सी वन की वैल्यू जीरो होगा, अब उसके बाद कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सी वन इक्वल टू जीरो मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर k माइनस m, x की पावर k माइनस m का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो m की जगह रख दिया जाएगा m माइनस टू, पहले वाले में m के पहले वाले पोर्शन में m की जगह m माइनस टू रखते हैं, तो ये बनता है हमारा m की जगह रखा जाए k माइनस m है m प्लस m की जगह रखें m माइनस टू अगर रखते हैं, दूसरे वाले में m की जगह रखा जाएगा माइनस एम और पहले वाले में के एम की जगह एम प्लस टू रख देते हैं, तो के प्लस एम का कोफिशिएंट ले माइनस करेंगे, यहाँ के प्लस एम बना हुआ है, एम की जगह एम प्लस टू रख देते हैं, तो एम की जगह एम प्लस टू से कोफिशिएंट निकल आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एम प्लस टू और के एम एम प्लस टू का इस स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और एक्स की पावर एम की जगह एम प्लस टू रखा तो टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर के प्लस एम हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर के प्लस एम यानी कि यहाँ सी वन हो सी एम होगा इक्वल टू जीरो, तो इसको उधर सेपरेट कर लेंगे, यानी कि सी एम प्लस टू
और यहाँ पे k प्लस एम प्लस टू का हॉल ऑफ स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी एम, तो यहाँ हो जाएगा सी एम प्लस टू इक्वल टू माइनस का सी एम अपॉन के एम प्लस टू का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन नंबर इसको सिक्स मान लें, जनरल फॉल्ट हो गया। इसी से हम केसेस बनाएंगे के इक्वल टू पी एंड माइनस पी का जो कंडीशंस बनी थी दो पहले केसेस बन सकते थे। अब केस नंबर फर्स्ट पे लेंगे के इक्वल टू प्लस पी पर। के इक्वल टू प्लस पी के की जगह पी पुट कर देते हैं तो इसको यहाँ पे सेपरेट कर सकते थे। अब ये थोड़ा सा और सी एम प्लस टू इक्वल टू माइनस का सी एम, ये हो जाएगा के प्लस एम प्लस टू प्लस पी एंड के प्लस एम प्लस टू माइनस पी। केस नंबर फर्स्ट से के इक्वल टू पी पर तो सी एम प्लस टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी एम, के की जगह पी रखेंगे, पी और पी टू पी हो जाएगा यानी टू पी प्लस एम प्लस का टू एंड के की जगह पी रखें, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एम प्लस का टू बचेगा। उसके बाद एम इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू जीरो रखते हैं यानी कि सी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो था, जीरो टू एंड फोर पे वैल्यू प्राप्त होगा। एम इक्वल टू वन रखेंगे, सी वन इक्वल टू जीरो है, सी वन सी टू सी वन सी थ्री सी फाइव जीरो होते चले जाएंगे। एम इक्वल टू जीरो टू एंड फोर पे वैल्यू फाइंडिंग होगा यानी कि एम इक्वल टू जीरो रखें तो सी टू बनेगा माइनस का सी नॉट अपॉन टू पी प्लस टू इंटू टू, यानी कि यहाँ पे हम इसको टू कॉमन निकाल दें बाहर तो सी नॉट अपॉन टू इंटू टू फैक्टोरियल टू हो जाएगा, टू का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल वन एंड पी प्लस वन, ये लिख सकते हैं सी नॉट टू का स्क्वायर फैक्टोरियल वन पी प्लस वन। ऐसे ही C2 निकल दें या C4 निकाल देंगे, उसके बाद आ जाएगा C4 इक्वल टू माइनस C2 अपॉन 2P प्लस 4 इंटू 4। यहाँ पे C2 की वैल्यू ड्रा कर देंगे, C2 की वैल्यू ड्रा करने के बाद आएगा 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 P प्लस 1 एंड P प्लस 2। द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू था, हमारा जो माना था सॉल्यूशन वो था y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एम एक्स की पावर k प्लस m, तो y इक्वल टू हो जाएगा सी एम इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा सी नोट m इक्वल टू जीरो पे सी नोट x की पावर k प्लस जीरो एंड C1 x की पावर k प्लस का वन एंड C2 x की पावर k प्लस टू एंड C3 x की पावर k प्लस का थ्री, इस तरह से ये आता चला जाएगा। बेहर k इक्वल टू p हमारा चल रहा है तो k की जगह हम p रख सकते हैं, C0 x की पावर p प्लस का C1 x की पावर p प्लस वन, C2 x की पावर p प्लस टू, C3 x की पावर p प्लस का थ्री डॉट 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 प्लस का सी फोर एक्स की पावर पी प्लस फोर। देखिएगा सी नॉट तो नॉट इक्वल टू जीरो, सी वन जीरो है, सी थ्री भी जीरो है, सी फाइव भी, ये का टर्म ऑड वाले टर्म सारे जीरो आ जाते हैं, सी टू सी फोर की वैल्यू डाल के सीरीज यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो इनकी वैल्यू ड्रा करने पर बन जाएगा सी सी नॉट एक्स की पावर पी प्लस सी वन का वैल्यू ड्रा कर देंगे जीरो, सी टू का वैल्यू जो निकाला था अभी सी नॉट के टर्म में माइनस का सी नोट एक्स की पावर पी प्लस टू अपॉन टू की पावर टू फैक्टोरियल वन पी प्लस का वन आ जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में आ जाएगा सी नोट एक्स की पावर पी प्लस का फोर या एक्स की पावर पी प्लस फोर, सी थ्री जीरो हो जाएगा, सी फोर वाले में बनेगा एंड टू की पावर फोर फैक्टोरियल टू पी प्लस वन एंड पी प्लस टू पी प्लस टू डॉट 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 डॉट, आगे टर्म आते चले जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से कॉमन पार्ट उठा लेंगे, बाई कल टू सी नोट कॉमन लिया एंड एक्स की पावर सी नोट कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर पी माइनस एक्स की पावर
पी प्लस 2/2 की पावर 2 फैक्टोरियल 1 पी प्लस का 1 प्लस का एक्स की पावर पी प्लस का 4 अपॉन 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 पी प्लस 1 पी प्लस 2 डॉट 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 इस तरह से बन जाएगा। यानी कि सी नॉट एक्स की पावर पी कॉमन निकाल सकते हैं, 1 होगा 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 एक्स स्क्वायर वाई 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 1 पी प्लस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 पी प्लस का 1 पी प्लस का 2 प्लस डॉट 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 इस तरह से सीरीज आती चली जाएगी। उसके बाद इफ सी नॉट इक्वल टू होगा 2 की पावर पी अपॉन गामा पी प्लस का 1 इज द बेसल बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। इट इज सी नोट को कहेंगे बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का कॉन्स्टेंट है, इसका एंड डिनोटेड बाई जे पी एक्स। यहाँ पे सी नोट की वैल्यू ड्रा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा जे पी एक्स, जे जे पी एक्स इक्वल टू होगा और सी नोट का वैल्यू ड्रा करेंगे एक्स की पावर पी बाहर है 2 की पावर पी गामा पी प्लस का 1 एंड 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 एक्स स्क्वायर 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 1 पी प्लस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 पी प्लस का 1 पी प्लस 2 डॉट 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 एट इनफिनिट। तो ये इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए जे पी एक्स को एंटर में इस फॉर्मूले को सेट करके लिख लें तो ये बन जाएगा जे पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर पी टू की पावर पी गामा पी प्लस गामा समीशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनेट माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर टू आर अपॉन टू की पावर टू आर फैक्टोरियल आर पी प्लस वन पी प्लस टू डॉट 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 पी प्लस आर। इसको हम लिख सकते हैं जे पी एक्स इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर एक्स बाई टू की पावर एक्स बाई टू की पावर पी प्लस टू आर वन पॉइंट फैक्टोरियल आर एंड गामा पी प्लस आर प्लस वन। ये था केस फर्स्ट जे पी एक्स। एंड केस सेकेंड में हो जाएगा k इक्वल टू माइनस पी के लिए, k सेकंड k इक्वल टू माइनस पी के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा j माइनस पी एक्स इक्वल टू समीशन r इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर एक्स अपॉन टू की पावर माइनस पी प्लस टू आर वन अपॉन फैक्टोरियल गामा माइनस पी प्लस आर प्लस वन। ये फर्स्ट काइंड का सॉल्यूशन जे पी एक्स एंड सेकंड काइंड का सॉल्यूशन जो है जे माइनस पी एक्स है समीशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट। के की जगह माइनस पी रख दिया गया है, जहाँ पी था उसमें पी की जगह माइनस पी पुट कर देंगे तो सेकंड काइंड का सॉल्यूशन निकल आएगा। देन टोटल सॉल्यूशन ऑफ बेसल बेसल इक्वेशन का जो टोटल सॉल्यूशन है उसको जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो वाई इक्वल टू होगा ए जे पी एक्स प्लस का बी जे माइनस पी एक्स। ए एंड बी इज द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। द सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशंस आर कॉल्ड द बेसल फंक्शंस।